Good morning, all of you. Today, we will discuss new chapter triangle. In mathematics, triangle, आपको यहाँ पर similar triangle पढ़ना है. क्या पढ़ना है? Similar triangle. आप previous class में congruence triangle पढ़े. अभी आपको similar triangle पढ़ना है, डिस्कस करना है. तो डिफरेंट सिमिलर ट्रायंगल और कन्वर्जेंट ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर कुछ डिफिनेशन. फर्स्ट, कन्वर्जेंट फिगर क्या है? डिफाइन कन्वर्जेंट फिगर. तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच आर विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड या आर नोन एज कंग्रुएंट फिगर. अगर दो फिगर का साइज सेम हो, है ना, और सेम शेप हो, तो ऐसे फिगर को कंग्रुएंट फिगर कहते हैं. बट सिमिलर फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव द सेम शेप, विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, नोन एज सिमिलर फिगर. साइज डिफरेंट हो सकता है. इतना लेट से तो सिमिलर फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर विच है द सेम शेप बट डिफरेंट साइज. जैसे आप यहाँ पर दो लाइन देख रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स, दो ट्रायंगल देख रहे हैं डिफरेंट साइज का, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. टू स्क्वायर है विच हैज डिफरेंट साइज, टू सर्किल है विच हैज डिफरेंट साइज. तो आपको मेन यहाँ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है कि सिमिलर फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज सेम शेप, ये भी सर्किल है शेप, ये भी सर्किल शेप है, बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट साइज नोन एज सिमिलर फिगर. नेक्स्ट है टू कंग्रुएंट फिगर. तो टू कंग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज ऑलवेज सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कंग्रुएंट. आप कंग्रुएंसी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में. तो अगर दो फिगर कंग्रुएंट है, या तो दो सर्किल हो या दो ट्रेंगल हो, अगर कंग्रुएंट है तो बोथ ट्रेंगल आर ऑल्सो सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कंग्रुएंट. अगर दो सिमिलर है कोई जरूरी नहीं कि कंग्रुएंट होगा. जैसे इस फिगर को देखते, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, एक छोटा है और एक बड़ा लाइन सेगमेंट है, ये सिमिलर हो सकता है, कंग्रुएंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का लेंथ डिफरेंट है. एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का साइड सेम है, लेकिन ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो एंगल इक्वल आएगा. बट मान लो ये 2-2 सेंटीमीटर का है और ये 3-3 सेंटीमीटर का है, तो दोनों कंग्रुएंट नहीं हो सकता है लेकिन सिमिलर. एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट शेप, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. एनी टू सर्कल आर सिमिलर, एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, जिसके डिफरेंट रेडियस का है. अब है डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स. एनीबॉडी डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स, डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स.
गुड, आप लोग इसको पढ़ भी चुके थे, आप ठीक बताए डेफिनेशन। डिफाइन सिंगल ट्रेंगल, तो टू ट्रेंगल आर टू ट्रेंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट में देयर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर corresponding angles are equal, second their corresponding sides are, kya hoga corresponding sides are proportional, प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, क्योंकि आपको मेन रूप से ये ट्रेंगल टॉपिक दिया है, पढ़ना है सिमिलर ट्रेंगल। नेक्स्ट, अब ये क्या डिफिनेशन, इसको और हम लोग क्लियर अभी करते हैं। पहले एक बार और देख लें, आज का क्लास में फर्स्ट था डिफाइन कंग्रुएंट फिगर, एक बार और रिपीट कर देते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव same shape and same size are known as congruent figure. Define similar figure, geometrical figure which has the same shape but different size are known as similar figure. Next है notes में, two congruent figure are always similar but two congruent figures are always similar, but two similar figures need not to be congruent. For example, any two line segments are similar, any two equilateral triangles are similar, any two squares are similar, any two circles are similar. Both pair figures have same shape बट डिफरेंट साइज, यानी दोनों इक्विलेटरल है, शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। दोनों लाइन सेगमेंट्स है, सेम शेप है बट साइज इज डिफरेंट, साइज डिफरेंट। टू स्क्वायर देखने में सेम शेप है बट डिफरेंट साइज। टू सर्कल्स देखने में आपका सर्किल है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इसको आप लोग लर्न कर लोगे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है। अब हम लोग फिर डेफिनेशन में क्लियर करते हैं, जो अभी हम सिमिलर ट्रेंगल का डेफिनेशन लिखे हैं। डेफिनेशन में फिर है, डिफाइन सिमिलर ट्रेंगल तो टू ट्रेंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ
their corresponding sides are, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. आप देखें two triangles, first triangle is ABC and other triangle is DEF. DEF. ठीक है, अगर आप लिख देते हो कि ट्रेंगल ए बी सी, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, ये किसका सिंबल है, सिमिलर का, ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ, ट्रेंगल डी ई एफ, ऐसे सिमिलर के लिए मिनिमम टू एंगल क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल, लेकिन अगर आपका सिमिलर दिया हुआ है तो डिफिनेशन के अनुसार फर्स्ट देयर क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स मीन्स फर्स्ट यहाँ एंगल ए, यहाँ एंगल डी, अने दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अने एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, दिस इज क्रॉसपोन्डिंग एंगल, क्लियर। सेकेंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, देयर आर क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, डेफिनेशन यही हुआ, देयर क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स दिस इज क्रॉसपोन्डिंग एंगल, नॉट दिस इज क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स। And corresponding sides are proportional. So corresponding side means AB proportional to DE. Similar, अगर है तो वो proportional होगा. Proportional means AB by DE. Other side BC by EF. Or third. AC by DF, AC by DF, यही definition हुआ। Corresponding angles are equal, this is corresponding angles, and their corresponding sides are proportional, this is corresponding sides. आप जिस दो congruency rule पढ़े हैं, five congruency rule है, five में side 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 पहला congruency rule है। अगर एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ए ए एस एंड आर एच एस, तो आपका अगर कंग्रुएंट है टू फिगर वो सिमिलर होगा, यानी जिससे कंग्रुएंट प्रूव कर रहे हो उससे आप सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा है कि अगर टू एंगल्स क्रॉसपोन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हो तो बोथ एंगल्स आर सिमिलर। तो चलिए सिमिलर का डेफिनेशन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम्स, थ्योरम्स को पढ़ना है। अभी एक स्टूडेंट कह रहा था सर थ्योरम्स थ्योरम नहीं है, डिलीट है सिलेबस में, लेकिन नहीं ये थ्योरम डिलीट नहीं है, डिलीट जो हुआ है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो आप पहले कोई बता सकते हो स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स थ्योरम, अगर आपको याद है तो हमको बताइए स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स थ्योरम। हाँ बोलो, हाँ सेम रेशियो एकदम याद है। तो ये जो बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है दो ट्रायंगल बना करके उसकी क्लियर है, पढ़ने बंद आया है, चलिए गुड, क्लियर दिख रहा है तो अभी मेरा क्लास ठीक चल रहा है और साउंड भी क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टेटमेंट न लिख करके
हम डायरेक्ट प्रूफ कर दें, स्टेटमेंट आप जान ही रहे हो। हाँ अब हम लोग थ्योरम में आते हैं। स्टेटमेंट नहीं लिख करके डायरेक्ट हम प्रूव करेंगे। प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट थ्योरम। या आपको यहां पर लिखा हुआ रहेगा कि प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। क्या कह सकता स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट पहले दीजिए, जो स्टेटमेंट अभी प्रथम बताया तो वो स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। अ स्टेटमेंट अभी जस्ट प्रथम बताया भी और सबको याद भी होगा, केवल आगे प्रूफ डेट लगा देंगे या यही सेम थ्योरम आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या थर्ड टाइप से ये क्वेश्चन दे सकता है। स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, केवल आप आगे प्रूफ डेट लगा देगा। तो इफ ए लाइन, जैसे एक हम एक ट्रेंगल ड्रॉ किए स्टेटमेंट में था, अभी नाम दे दिए एबीसी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल, देयर आर थ्री साइड्स इन ए ट्रेंगल, इस बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिए DE, शीतक नाम दिया, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स मीन्स AB एंड AC इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। यानी D डिवाइड AB, AB इज टू BB, and E divide AC and AE is to EC in the same ratio. तो ये स्टेटमेंट आप लिखोगे थ्योरम में, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवेन, फिगर बनाए गिवेन इन ए ट्रेंगल ए बी सी डी ई पैरल टू बी सी, डी ई पैरल टू बी सी, डी ई डी एंड ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, रिस्पेक्टिवली कर लो respectively to prove जो intersect किया D and E AB and AC in the same ratio, यानी आपको प्रूव करना है AD by DB is equal to AE by EC।
ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके अब आप एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे कि ड्रो हम इस एबी पर इस एक परपेंडिकुलर ड्रो किए। कंस्ट्रक्शन को हम डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं और ई तक नाम दे रहे हैं, यहां दे दिए एफ ज्वाइन बीई। लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रो ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रो ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी ज्वाइन बी ई। इसको ज्वाइन किए बी और ई को, जैसे इस लाइन पर ड्रो किए परपेंडिकुलर, नेक्स्ट ड्रो परपेंडिकुलर डी जी, एफ के बाद नाम जी, ड्रो डी जी परपेंडिकुलर ए सी और ज्वाइन डी सी, ड्रो डी जी परपेंडिकुलर ए सी ज्वाइन डी सी। हम डी सी को ज्वाइन करेंगे, अभी ड्रो नहीं किए हैं, पहले हम काम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इफ आस्क इन द एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन इज 4 marks, तो 2 marks गिवेन फिगर गिवेन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन और 2 marks गिवेन प्रूफ, ये मेंशन रहता है मार्किंग स्कीम में, यानी 2 marks आपको इसी पर है और 2 marks इसका प्रूफ में मिलेगा। तो प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी डी ई बी। तो अब आप बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी। तो आप इसका एरिया ए डी ई का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए हाफ बेस इज ए डी और हाइट हाइट इसका क्या है ट्रेंगल का हाइट, तो ई एफ डिवाइडेड बाय हाफ और ये डी बी सी इज ऑब्टूज एंगल ट्रेंगल, कैसा ट्रेंगल है ऑब्टूज एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ है इसके बाहर। तो अगर इस ट्रेंगल का एरिया लेना हो ई डी बी का या डी ई बी का तो हाफ इंटू बेस और इसका हाइट क्या होगा ई एफ, एरिया ट्रेंगल हाफ इंटू बेस डी बी और हाइट ई एफ, इसमें ई एफ कैंसिल और हाफ हाफ कैंसिल, क्या बच गया ए डी बाय डी बी। हाँ लिख देंगे ए डी बाय डी बी, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड प्राची इतना लेट से, राज कृष्णा आप अभी आए हैं, चलिए ठीक है ज्वाइन करवा लिए। अब नेक्स्ट है कि जो अदर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए थे डी जी, अभी हम ज्वाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन को डी जी, जो डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी
अजवाइन देसी, तो हम ट्रेंगल लेंगे वही ए डी ई, बट बेस बनाएंगे ए ई और हाइट डी सी. नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल ई डी सी, ई डी सी. अब बेस हो गया ए ई और हाइट डी सी, हाफ इंटू बेस ए ई और हाइट डी जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल ई डी सी हाफ इंटू बेस ई सी और हाइट डी जी. डी जी डी जी कैंसिल और हाफ और हाफ कैंसिल. यहां भी आपका ए ई बाय ई सी, दिस इज इक्वेशन टू. अब आपको वन और टू को कंपेयर करेंगे तो दोनों को इक्वल ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय ई सी लाना है. ये इक्वल कब होगा, जब आपका एल एच एस इक्वल होगा. एल एच एस में डिनोमिनेटर में सेम ट्रेंगल है और डिनोमिनेटर में ट्रेंगल डी ई बी एंड ट्रेंगल ई डी सी बीइंग ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी, सो एरिया ऑफ ट्रेंगल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी. नाइन्थ अक्षर हम पढ़े थे तो आप लिख सकते हो ट्रेंगल डी ई बी एंड ट्रेंगल ई डी सी बीइंग ऑन द सेम बेस, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी, सो एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ई डी सी. अब क्या देखें, यह स्टेटमेंट लिखने से आपका डिनोमिनेटर का भी एरिया इक्वल आ गया. डिनोमिनेटर इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल आ गया. तो कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों का एल एच एस इक्वल आया तो आर एच एस भी ए डी बाय ए ई ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी बाय ई सी. यही हमको प्रूफ करना था. यहाँ पर लास्ट में हम लोग प्रूफ किए इट इज क्लियर. थैंक यू. और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है.